हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि हाउ टू मेक एक बहुत ही सॉफ्ट रोटी और बहुत ही सॉफ्ट फुलका। तो इस वजह से बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कैसे बनाएं कैसे बनाएं। तो मैंने एक नॉर्मल चीज़ होती है ये, आपने एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है जैसे प्रॉपर आप नॉर्मल लगाते हो पानी से, उसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। सॉफ्ट सा डो लगा लें, आटे को थोड़ी देर रेस्ट पे रख दें। इसका वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी, ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो उसके बाद मैंने इतना बड़ा पेड़ा ले लिया और उसे सूखे आटे में थोड़ा सा मिलाकर गोल सा पेड़ा बना लिया, और बेलने की हेल्प से मैंने ना बहुत ही ईजिली इसको बेली। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही, तो जब आपका तवा गर्म हो जाए ना तो उसके बाद आपने रोटी डाल देना है, और एक साइड से ऐसे बबल्स आने लगे ना तो इसे पलट दें, फिर उसके बाद धीमी धीमी दूसरी साइड आपने सेकना है। जब अच्छे से रोटी दूसरी साइड पक जाए ना, तो आपने देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सेका है, ये देखिए रोटी पक जाए ना दूसरे साइड। तो आपने जो आपके पास अगर कॉटन के कोई कपड़े हैं तो आप उससे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही ईजी तरीके से ये फूल जाएंगे, और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये फूल के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने आपको दूसरा मेथड दिखाना है, जब एक साइड रोटी पक जाए ना तो दूसरी साइड आपने पलट के और एक रोटी उसके ऊपर रख के, ये दूसरा तरीका है। आप किस तरीके से फुलाते हो? बहुत लोग डायरेक्ट गैस पर ही रोटी फुला देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, एंजॉय इट।